नई दिल्ली से खबर शामिल करते हैं, जहां पर भारत में बाप से लड़ाई का बदला लेने के लिए 15 साल लड़के ने उसकी 9 साल बच्ची को जिनसे ज्यादती का निशाना बनाने के बाद मौत के घाट उतार दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक ये सफा खाना वारदात रियासत महाराष्ट्र के शहर कल्याण में हुई, जहां 2 रोज कबल मुलजिम का लड़की के बाप के साथ झगड़ा हुआ था। मुलजिम ने आदमी की बेटी को अगवा किया और कल्याण रेलवे स्टेशन के करीब एक वीरान जगह पर ले जाकर जिनसे ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश मिलने के बाद इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो मुलजिम की शिनाख्त हो गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने बताया कि बच्ची के बाप के साथ उसका 2 रोज कबल झगड़ा हुआ था और उसने मुलजिम को जदोकोब भी किया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने बच्ची को अगवा करके ये घिनौनी वारदात की। मुलजिम ने इतराफ किया है कि उसने ब्लेड के जरिए बच्ची का गला काट कर उसे कत्ल किया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे ऑब्जर्वेशन होम भिजवा दिया गया है और मजीद तफ्तीश की जा रही है।